गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, साईं कॉलेज भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 के लिए अप्रैल माह में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिए हैं, जिसे आप दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डाउनलोडेड जो एडमिट कार्ड है वो दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हाइड किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड के स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनका एक टेबुलर फॉर्म पे डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है स्टूडेंट्स तक पहुँचनी काफ़ी ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी आंसर शीट अपने सेंटर पर जमा करने जाएंगे, उस दिन आपको जो भी सब्जेक्ट की आंसर शीट आप जमा करने जा रहे हैं उसमें डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, आंसर शीट का नंबर जो आपको मेन मुख्य उत्तर पुस्तिका जो मिली है उसका एक नंबर होता है सीरियल नंबर, वो आपको यहाँ पर लिख करके जिस सेंटर पे आप जमा करेंगे वहाँ से रिसीविंग लेना है। ये काम आपको रोज़ करना है, हर पेपर के दिन जैसे जैसे आपका पेपर होगा उस दिन आपको यहाँ पर रिसीविंग लेनी होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण बदलाव जो एडमिट कार्ड में किया गया है यूनिवर्सिटी ने किया है। एडमिट कार्ड को आप काफ़ी आसानी से दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उससे लॉगिन करके डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, और आपको ये सारे के सारे डिटेल्स या सारी आंसर बुक्स जब आप जमा करेंगे तो सारी की रिसीविंग यहाँ पर ले लेनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट निर्देश जो है वो जारी किया गया है दुर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स के पास एक पावती जो है वो एडमिट कार्ड के साथ साथ ही रहेगी, जिसमें आपके सारी डिटेल्स जो यहाँ पर अभी हाइड की गई है ये डिटेल्स प्लस फोटो प्लस सारी इन्फॉर्मेशन एक ही शीट पर उपलब्ध होंगी। साथ ही यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड के नीचे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी प्रिंटेड फॉर्म में जारी किए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन ही आपको दोपहर 12 से 3 बजे के बीच परीक्षा केंद्र में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करनी होंगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो है वो भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और क्वेश्चन पेपर जो है आपको सुबह 8 बजे विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो ये जो निर्देश दिए गए हैं इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार आपके जो ब्लेंडेड मोड में एग्जामिनेशन होने वाले हैं